दोस्तों, आज हम बात करेंगे YouTube चैनल एल्गोरिथम के बारे में। जब हम चैनल बनाते हैं तो हमारे चैनल में व्यूज नहीं आते, जिससे हमें लगता है कि हम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग चैनल लीक कर जाते हैं तो कुछ लोग समय पर वीडियो ही अपलोड नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनके वीडियोज़ पर आते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका चैनल ग्रोथ होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बनते जा रहे हैं और पुराने यूट्यूबर्स तो है ही यहाँ पर। तो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हम बिना जाने सिर्फ वीडियो अपलोड कर देते हैं और दिन रात सोचते रहते हैं कि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो लगातार वीडियो अपलोड करते रहते हैं फिर भी व्यूज नहीं आते। तो बात है यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए एल्गोरिथम काम कैसे करता है। अगर भविष्य में आपको कोई नेटवर्क बनाना पड़ गया तो आप जानोगे, तो तभी तो काम करोगे। आपका नॉलेज ही आपको ग्रो करवाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको शायद ही कहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इतनी मेहनत नहीं करते जितना मैं एक एक वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा NK Tech All हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो बात कर रहे थे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में एल्गोरिथम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको एल्गोरिथम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल भाषा में बोले तो किसी भी काम को करने के लिए हमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, यही तो एल्गोरिथम होता है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गोरिथम लिखा जाता है कि कैसे प्रोग्राम बनाया जाए। एल्गोरिथम में किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स डिफाइन किए जाते हैं, यानी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए तरह तरह का तरीका अपनाना जिसे समझने में आसानी होती है, उसके बाद उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही क्या सकता है, मोबाइल से अच्छा एग्जाम्पल, आपको मोबाइल से बेहतर कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपको किसी को कॉल करना है तो एल्गोरिथम कैसा बनेगा? तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप मोबाइल का लॉक खोलेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, आप डायल वाले ऐप को क्लिक करेंगे। और स्टेप थ्री में क्या होगा, फिर नंबर डायल करेंगे। फिर स्टेप फोर में क्या करते हैं आप, फिर कॉल बटन पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद स्टेप फाइव में क्या करते हैं, अगर कॉल कट करना हो तो लाल बटन को क्लिक करते हैं। दोस्तों, सभी प्रोग्राम का एल्गोरिथम अलग अलग होता है। तो बात करते हैं YouTube का एल्गोरिथम का, YouTube का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ जानना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो स्टेप वन है, एक नया वीडियो जैसे अपलोड होता है। स्टेप टू में बात करते हैं, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं तो उन्हें नोटिफिकेशन जाता है। स्टेप थ्री की बात करते हैं, आपका वीडियो कुछ लोगों के स्क्रीन पे दिखाया जाता है। उसके बाद स्टेप फोर की बात करते हैं, कोई आपके वीडियो को 30 सेकंड से कम देखे तो एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं है और आपके वीडियो को और लोगों तक पहुँचाना बंद कर देता है। स्टेप फाइव की बात करते हैं कि 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आपका वीडियो देखा गया है तो उसे और लोगों तक यूट्यूब पहुँचाता है। स्टेप सिक्स की बात करते हैं, अगर वीडियो जितनी ज़्यादा परसेंटेज पे देखी जाए उतना ज़्यादा आपकी वीडियो का ग्रोथ होगा। मतलब 10 मिनट का वीडियो अगर लगभग 9 मिनट तक देखा जाए, यानी 90% आपके वीडियो को देखा जाए, तो आपके वीडियो को उससे दूसरे रिलेटेड वीडियो के नीचे सजेस्टेड किया जाएगा। यूट्यूब आपके वीडियो को दूसरे वीडियो के नीचे सजेस्टेड करेगा, आपके दूसरे वीडियो के नीचे आपकी वीडियो को पहुंचाया करेगा। स्टेप सेवन की बात करते हैं, आपके वीडियो को अगर लोगों को पसंद आने लगे तो YouTube आपके चैनल का ग्रोथ तेज़ी से करेगा। आपके और वीडियोज को आपके और वीडियोज को आपके वीडियोज के नीचे ही सजेस्टेड करने लगेगा। आप अक्सर देखते होंगे किसी बड़े चैनल पे आप विजिट करते होंगे तो आप देखते हैं कि उस वीडियो के नीचे उसका ही चैनल का बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है और उसके वीडियो को लगातार लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। स्टेप एट की बात करते हैं, अगर ज़्यादा परसेंटेज पे अगर आपकी वीडियो देखी जाए तो यूट्यूब सर्च में फर्स्ट पेज पे आपका वीडियो भी दिखाई देने लगेगा। स्टेप नाइन की बात करते हैं,
अगर आपकी वीडियो कॉपी पेस्ट हो, अगर आपकी वीडियो पे अगर कोई क्लेम करे तो आपको कॉपीराइट क्लेम यूट्यूब मेल करेगा। यूट्यूब अपने मन से कुछ नहीं करता, अगर कोई मेल कॉपीराइट क्लेम करे तभी आपकी मेल पे कॉपीराइट क्लेम आता है। स्टेप 10 की बात करते हैं, अगर आपको वीडियो से आपके वीडियो से अगर लोगों को नुकसान होता, अगर कोई आपके कमेंट को फ्लेम कर दे या वीडियो पे क्लेम करे तो आपको 3 बार कम्युनिटी गाइडेंस यूट्यूब की तरफ से मिलेगा, और 3 बार से ज़्यादा होने पर आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 3 बार वार्निंग दिया जाएगा। आपका चैनल कितना भी ग्रोथ किया हो, आपका पेमेंट भी लटक जाएगा, अगर आने वाला पेमेंट है वो भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बोलते हैं यूट्यूब को करियर कभी भी मत बनाओ, साइड इनकम के लिए सही है क्योंकि गलती इंसान से होती है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत बड़े यूट्यूबर बनने के बाद भी अगर 3 बार आपको कम्युनिटी गाइडेंस या स्ट्राइक मिलता है तो आपके चैनल बंद होने के चांसेस पूरी की पूरी हैं। स्टेप 11 की बात करते हैं, आपकी वीडियो से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है तो आपका पेमेंट भी डिले नहीं होगा, महीने के लास्ट में पेमेंट मिल ही जाता है, और तरह तरह के उपहार आपके एड्रेस पे भी भेजा जाता है। तो ये था दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिथम।